गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट, वो था टेंस। ओके स्टूडेंट, और टेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया है, प्रेजेंट परफेक्ट किया है, और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इट शोज दैट द एक्शन that began at a given time in the past is continuing up to the present time. Present perfect continuous tense student प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है? इट शोज दैट द एक्शन दैट बिगन एट अ गिवन टाइम इन द पास्ट इज कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट टाइम। के जो टॉपिक है भूतकाल में स्टार्ट होता है और वर्तमान काल में भी जारी रहता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस स्टूडेंट होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल्स, अगर इसमें भी स्टूडेंट प्रत्येक टेंस में सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो इसी प्रकार से हम इसके भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के भी एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है स्टूडेंट, वो एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट जो हमारा फॉर्मूला होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और टाइम, सॉरी फॉर सीन्स और फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप। ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ओके, और हैज और हैव का यूज किया जाता है इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद बीन का यूज होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सीन्स फोर का यूज किया जाता है, फिर टाइम सीन्स फोर के बाद स्टूडेंट टाइम का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल्स, एग्जाम्पल्स
वह पिछले महीने से जयपुर में रहा है। सेंटेंस स्टूडेंट क्या है, वह पिछले महीने से जयपुर में रह रहा है। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट कौन सा है स्टूडेंट, दिस इज सब्जेक्ट। ओके, तो ही वह पिछले महीने से जयपुर में रह रहा है, तो स्टूडेंट ही है और ही के साथ हैज बीन का यूज किया जाता है। ही हैज बीन, नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है, तो ही हैज बीन लिविंग इन जयपुर। ओके स्टूडेंट, ही हैज बीन लिविंग इन जयपुर पिछले महीने, लास्ट, सिंस लास्ट मंथ। वह पिछले महीने से जयपुर में रह रहा है, तो ही हैज बीन लिविंग इन जयपुर सिंस लास्ट मंथ। ओके, अब इसको अगर बनाएं स्टूडेंट, तो सबसे पहले वह पिछले महीने से जयपुर में रह रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह के लिए क्या यूज करते हैं, ही, क्योंकि वह जो यूज हुआ है स्टूडेंट वो बॉय के लिए हुआ है, ठीक है, पर्सन के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए हमने ही का यूज किया। फिर स्टूडेंट हैज बीन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ओके, सब्जेक्ट हमारे पास सिमिलर है, तो इसलिए हमने हैज का यूज किया। ओके, उसके बाद बीन दिया हुआ है फॉर्मूले में, तो बीन का यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जयपुर में रह रहा है, रहने को क्या कहते हैं, लिविंग, तो लिविंग का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि फॉर्मूले में क्या दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो लिव प्लस आई एन जी, लिविंग। ओके, जयपुर में रह, जयपुर में। ओके, में के लिए इन का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट जयपुर, जयपुर दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहां पर पिछले महीने से, सीन्स, से के लिए सीन्स का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पिछले महीने, तो पिछले महीने को क्या कहते हैं, लास्ट मंथ। ओके, यू हैव been listening to songs for 2 hours. You have been listening to songs for 2 hours. Okay, तो यहां पर सीन्स का यूज होता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और फोर का यूज होता है स्टूडेंट पीरियड ऑफ टाइम। है निश्चित समय के लिए। ओके, तो यू हैव बीन लिसनिंग टू सॉन्ग्स फॉर 2 hours, तो इसलिए हमने 4 का यूज किया। ओके, नेक्स्ट, ये स्टूडेंट एफर्मेटिव सेंटेंस है, अब इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट
प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट का यूज करते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब इसको इसके एग्जांपल्स करते हैं। यू हैव नॉट been watching this movie for 1 hour. स्टूडेंट ये नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, यू हैव नॉट बीन वॉचिंग दिस मूवी फॉर एन आवर। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट का यूज करते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ओके, एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर इस नॉट को हटा देते हैं स्टूडेंट, रिमूव कर देते हैं या हाइड कर देते हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? एफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बनेगा कैसे? यू हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी फॉर एन आवर। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसके बाद नोट का यूज करेंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ही हैज नॉट He has not writing a story since 4 hours. He has not been writing a story since yesterday. He has not been writing a story since yesterday. Okay student, he has not been writing a story since yesterday. वह कल से कहानी नहीं लिख रहा है। ओके, तो यहां पर यह क्या है? सीन्स क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। ओके, तो इसलिए हमने यहां पर सीन्स का यूज किया और यहां पर पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए हमने यहां पर फोर का यूज किया। इज दैट क्लियर? तो ये नेगेटिव सेंटेंस का भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट कौन से होते हैं जिनकी स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है। ओके, इसका जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब
प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सील्स और फोर प्लस टाइम किस नंबर का सिंबल। ओके, टेक सम एग्जांपल्स। Have you been driving a car? Have you been driving a car? For four two hours. Have you been driving a car for 2 hours? Okay student, have का use हमने इसलिए क्या किया क्योंकि यहाँ पर ये जो subject है वो कौन सा है you, और you के लिए have का use किया जाता है। तो according to formula इस sentence को बनाते हैं, तो सबसे पहले helping verb दिया हुआ है, तो helping verb has और have में से हमने have का use किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है यू, और यू के साथ हैव का यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है फॉर्मूले में, बीन, तो बीन का यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ड्राइविंग, फिर ऑब्जेक्ट ए कार, और सीन्स और फोर में से हमने फोर का यूज किया, फिर टू ऑर्स और एंड ऑफ द सेंटेंस किस प्रकार का सिंबल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हैज सी been, has he been living in America since Has he been living in America since 2018? End of the sentence question mark का निशान मैंने use किया, ठीक है? Has use किया हमने according to subject, okay? Subject क्या? Similar form में है, C है, इसलिए हमने has का use किया। उसके बाद according to formula, been का use। Next क्या दिया हुआ है formula में? Verb की first form plus ing, verb की first form plus ing का use किया, फिर इन अमेरिका सीन्स 2018 और किस प्रकार का निशान। ओके, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए स्टूडेंट। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट अगर आप लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से लर्न हो गया है तो कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल है स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद, ओके स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस में नोट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज इट इज सेम का सेम रहेगा। ओके, और क्वेश्चन मार्क का सिंबल। अब इन ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं स्टूडेंट, इनको आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है फॉर्मूले में, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, यू है, तो यू के बाद नोट का यूज करेंगे। तो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैव यू नॉट बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 2 आवर्स, किस प्रकार का निशान। ओके, नेक्स्ट हैज सी नॉट बीन,
लिविंग इन अमेरिका सिंस 2018 क्वेश्चन मार्क में सर. ओके, तो ये कौन से सेंटेंस बन गए? इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं. कब? जब सब्जेक्ट के बाद स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से. इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट, वो कैसे बनेगा? स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर बीन, फिर एज इट इज, सेम का सेम. ओके, फिर ये जो एग्जांपल्स है, हैव यू नॉट बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 2 आवर्स, किस प्रकार का सिंबल. हैज शी नॉट बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2018, किस प्रकार का निशान. ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट इसी सेंटेंस को, इसी फॉर्मूले को अगर डब्ल्यूएच फैमिली से बनाने हैं, डब्ल्यूएच फैमिली से डब्ल्यूएच सेंटेंस बनाने हैं इसके, तो स्टूडेंट वेरी सिंपल, यहां पर ये जो नोट का यूज किया था हमने, इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से लर्न है स्टूडेंट, तो कुछ नहीं करना, यहां पर WH प्लस WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम और किस प्रकार का निशान. ओके, अब सेंटेंस क्या है? हैव यू बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 2 आवर्स, किस प्रकार का निशान. ओके, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, अगर वाई यहां पर यूज करें स्टूडेंट, वाई हैव यू बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 2 आवर्स, कि आप 2 घंटे से कार क्यों चला रहे हैं. ओके, तो यहां पर वाई जो डब्ल्यू एच फैमिली से बिलोंग करता है, तो वाई का यूज करेंगे तो ये कौन सा बन जाएगा? डब्ल्यू एच फैमिली वाला सेंटेंस बन जाएगा. कौन से टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. ओके, नेक्स्ट, Has she been living in America since 2018? किस प्रकार का निशान. ठीक है, अगर सेंटेंस को बनाएं, क्या वह, सॉरी, वह क्या 2018 से अमेरिका में रह रही है, वह क्या, तो क्या क्या है, व्हाट, क्या मीन्स व्हाट, है ना. तो यहां पर अगर व्हाट का यूज करें, तो what has she been living in America since 2018, क्वेश्चन मार्क का निशान. ओके, तो ये कौन से बन गए? WH फैमिली वाले सेंटेंस बन जाते हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट. तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है स्टूडेंट, वो हमारा कंप्लीट होता है. ओके, तो नेक्स्ट जो है इसी में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, सीन्स और फॉर का यूज. यूज ऑफ सीन्स, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम. इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, दैट इज यूज्ड फॉर एग्जैक्ट टाइम. एज सिक्स AM 7 PM 8 o'clock 9 PM 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 9 PM
yesterday.
tomorrow. Diwali, Xmas, etc. Use of scenes. सीन्स का उपयोग स्टूडेंट इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए किया जाता है. ओके, दैट इज यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम. ओके, एज जैसे कि 6 AM, 7 PM, 8 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मिडनाइट, यस्टरडे, टुमारो, 2016, 2019, दिवाली हो गया, एक्समेक्स हो गया, होली हो गया. ठीक है, मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय होना चाहिए, तो उनके लिए सीन्स का यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स. यू हैव बीन, रीडिंग this book since yesterday. You have been reading this book since yesterday. Okay student, so you have been reading this book since, यहां पर yesterday दिया हुआ है, point of time दिया हुआ है, इसलिए हमने सीन्स का यूज किया. नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट यूज ऑफ फॉर. इट इज कॉल्ड a period of time that is not used for exact time. As towards three weeks one month four years etc. use of four का उपयोग, it is called a period of time, निश्चित समय के लिए किया जाता है, that is not used for exact time. ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि टूअर्स, थ्री वीक्स, वन मंथ और फोर ईयर्स, ATC, एक्सेट्रा. ओके, एग्जाम्पल